हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। और मैं लेके आया हूं कल की बात, आज यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की भविष्यवाणी, एडवांस प्रिडिक्शन, एपिसोड नंबर 521, 17 जनवरी के लिए। यानी कि कल है आपका 17 तारीख, 17 यानी कि खतरा, यानी कि ट्यूजडे का दिन है। तो कल क्या करें, आइए समझ लेते हैं। ओपन चैलेंज करूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल, क्योंकि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए और आपको हेल्प करने के पर्पस है, सो दैट मार्केट बुलाती है कब जाना है कब नहीं जाना है, आपको पता चल सके किंग रिसर्च के साथ साथ, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। तो ये मैं निफ्टी के एडवांस प्रिडिक्शन करने वाला हूं, वो भी बैंक निफ्टी सॉरी फ्यूचर्स में, निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर मैं करूंगा। सो मेरे दोस्त, अगर आपको कल याद होगा कि कल मैंने आपको एक मैजिकल लेवल बताया था 17,970 का लेवल, 17,970 के नीचे बिंदास सेल करेंगे, आपके सामने प्रूफ है, रिजल्ट है। और देखो मजे की बात, पता है ऐसा नहीं है कि भैया इसके नीचे आया तो बस सीधे सीधे गिर गया, ये वो हो गया, ना 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 सर, देखो पावरफुल रिस्पेक्ट, सपोर्ट सपोर्ट, दो बार इसने रिस्पेक्ट किया, इसी लेवल को क्यों रिस्पेक्ट किया, एक दिन पहले ही हमने कैसे दे दिया, और उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट किया, फिर इसने रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहां पे आके कबड्डी कबड्डी खेलने की कोशिश करी, और उसके बाद धड़ 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 करके गिर गया, और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की गिरावट कहकर निफ्टी में दुनिया 30-40 पॉइंट में चिंदीगिरी करना चालू कर देती है। आपके भाई ने कहकर बड़ा टारगेट दिया था, 870 का टारगेट क्लियर कट मेंशन किया था, बट हां ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट की रैली आपको इसमें दिख गई है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को कुछ बड़ा चाहिए। और इस बार मार्क कर लो सारे के सारे, मेरी डेट जो आज मेंशन करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ, 17 तारीख से 27 तारीख के बीच में कुछ ना कुछ वन साइडेड होगा। जब जब बोला है मार्केट वन साइड मूव हुई है, अब मैं फिर बोल रहा हूं और मैं बाइंग साइड के मूड में नहीं हूं, क्योंकि अगर 2 दिन पहले का मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने कुछ बैंक निफ्टी के, निफ्टी के लेवल्स लोअर लेवल के बता रखे, भैया यहां तक का डेटा मेरे को रीड करने पे समझ में आ रहा है कि यहां तक की मार्केट में गिरावट आ सकती है, राइट। सो अब सर रात गई बात गई, आज हो गया बढ़िया कॉल से सर, फैंटास्टिक। सो गाइस, जिन लोगों को ये लेवल समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, सर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धीरे धीरे फिर से आपके कमेंट्स कम होते जा रहे हैं, मैंने कल देखा कि सिर्फ 200 कमेंट्स थे, जहां आप 800,000 कमेंट्स करते थे डेली बेसिस पे, अब 200 हो गए। प्यार दोगे, एक ही उसूल है किंग रिसर्च के पास, लाखों की चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के लिए। जिस दिन प्यार देना बंद, उस दिन लाखों की चीज देना बंद, बात खत्म। आप चाहते हो मैं पेड़ कर दूं दूसरे लोगों की तरह, तो सर मैं भी पेड़ कर सकता हूं और आप लोग के लिए बिल्कुल कर दूंगा। तो प्लीज मेक श्योर, जो चीज मांगी है, प्यार आपसे मांगा है, तो अगर हेल्प हो रही हो प्यार देना ना भूलिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए कल की एडवांस प्रेडिक्शन बताता हूं मेरे दोस्त। कल थोड़ा सा नोट करने वाली बात यह है, कल मेरे थोड़ा सा मैं आपको पजल करूंगा, पेपर पेन लेके बैठना सो दैट आपको लेवल्स क्लियर हो सके। 17,970 ये एक हडल होगा, ठीक है, और 18,047 ये एक हडल होने वाला है। यानी कि कल अगर डेड कैट बाउंस आती है इस जोन में, आपको सेल करने का सोचना है। यानी कि 970 पे भी सेल कर सकते हो और 18,047 के आसपास आए, इस जोन में भी आके आप सेल कर सकते हो। यहां पे आंख बंद करके सेल नहीं करना है, आपको देखना पड़ेगा कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा, तभी आप सेल करिएगा, राइट। अगर माइचास ये मार्केट में ऐसे तेजी बनती चली गई, पता चला आपने यहां पे तेजी में सेल कर दिया और तेजी चलती गई, यहां पे सेल कर दिया, सर मैंने तो आपने बोला था सेल करने के लिए, मैंने तो सेल करके बैठ गया, अब मैं क्या करूं मेरे दोस्त। यहां पे सीधे सीधे अगर शूट होता चले गया तो आपको सेल नहीं करना है। यहां पे अगर रुकता है, जैसे ये प्राइस देखो यहां पे अटका नहीं अटका, कितने इज्जत के साथ, फिर प्राइस अटका कि नहीं अटका, कितने इज्जत के साथ प्राइस अटक रहा है, उसके बाद देखो वापस यहां पे कबड्डी कबड्डी खेला और फिर देखो मार्केट ने किस तरीके से काम किया। तो ये चीज आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना आपको बेनिफिट होने वाला है, अदरवाइज पैसा फिर नहीं बनेगा, आप फिर मेरे को बोलने वाले हो। तो इसलिए बोलता हूं प्राइस एक्शन को समझो। आज देखो सुबह सुबह दुनिया को दिखाया कि मैं तो ब्रेकआउट कर रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम में देखो ब्रेकआउट कर रहा हूं, दुनिया को यहां पे बाइंग में बिठाया, बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने यहां पे सेल करके गए होंगे उन सब की गैप अप खोलते ही साथ इस कैंडल ने दिखाया, ऐसे लौटाया और सबको लॉस में बिठाया, और लॉस के साथ में उन्होंने सोचा चलो बाइंग कर लेता हूं, मार्केट बाउंस बैक कर जाएगा। बट क्या हुआ, हुआ क्या, बेवकूफ बना के कबड्डी कबड्डी खेलने मार्केट नीचे आ गई और आपका भाई सुबह से सेल में बैठा हुआ था। यानी कि एक स्ट्रैटेजी है किंग रिसर्च की, आपको एक सेटअप देना चाहूंगा, अगर गैप अप खुले और पहला कैंडल बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाए और उसके अंदर एक रेड कैंडल बन जाए, तो ये इनसाइड बार थ्योरी होती है, इसके लो के नीचे बिंदास सेल कर सकते हो हाई का स्टॉप लॉस लगा के। आज मैं आपसे एक एक लॉजिक, एक नुस्खा, एक एक ट्रिक, एक मतलब
ऐसा बोल लो कि सर मैं ये नहीं बोलूंगा 100% है, बट जब देगा ना छप्पर फाड़ के देगा, गो एंड चेक, बैक टेस्ट कर लो, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कई बार आया है और क्या कई बार हमने मोटा पैसा बनाया है, ये आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आज एक लॉजिक दिया है जिसके अंदर मैं तो पर्सनली फॉलो कर रहा हूं, काफी दिनों से देख रहा हूं और ये सेटअप मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश करी है। इसके अंदर एक लास्ट तड़का है स्टूडेंट्स, टॉप पे मैं कैसे सेल कराता हूं वो वाला तड़का जरूर देख लेना, अगर वो तड़का साथ में मिल जाए ओए मल्टी कंफर्मेशन की दुनिया में ये सेटअप आ जाएगा, उसके बाद तो आपको रुकना नहीं है, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को झुकाना है, राइट। सो आपको मैंने बता दिए एनी डेडिकेटेड बाउंस यानी कि 970 और 18,047 ओनली थिंग फॉर द सेल, मेरा टारगेट होगा जो कि मेरा टारगेट होगा नीचे का, यानी कि आप ये लगा लो 17,870, 17,747, 17,670 तक का टारगेट रहने वाला है। एनी डेड कट बाउंस ओनली थिंग फॉर द सेल, अगर बाय चांस मार्केट में कल कोई डेड कट बाउंस आती नहीं है और नीचे की तरफ खुल जाता है, कुछ भी हो मार्केट नीचे की तरफ खुल जाता है और 17,870 का लेवल ब्रेक कर देता है और इसके नीचे कम से कम 15 मिनट सस्टेन कर देता है, बिंदास सेल करें, पहला टारगेट 17,747, दूसरा टारगेट 17,670 का टारगेट रहने वाला है और सेट रिलैक्स, बड़ा आएगा तभी जब आप बड़ा सोचोगे और बड़े टारगेट्स के लिए बैठोगे, नहीं तो वही 2-3 हजार बना लिए सर, देखो मैंने बहुत सारे लोग बनाते हैं सर 2-4 हजार बना लिए, गलती सर काट ली, पहले अगर रुक जाता तो आज मैं 20,000 रुपए बनाता, तो ये चीज नहीं आनी चाहिए। अगर आपने सही ट्रेड लिया कॉन्फिडेंट के साथ बैठो, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, किंग रिसर्च एक ही चीज पे बिलीव करता है, मैं अगर ट्रेड करता हूं सर लॉस के लिए ट्रेड करता हूं, प्रॉफिट के लिए मैं ट्रेड नहीं करता, प्रॉफिट तो अपने आप जो आएगा छप्पर फाड़ के ले लेंगे, लेकिन मैं बिलीव करता हूं जब प्रॉफिट आए तो छप्पर फाड़ के आए, जब लॉस आए तो मैं अपने हिसाब से काटना सीखूं, मैं अपने हिसाब से लॉस बुक करना सीखूं, दिस इज माय रूल, जो मेरे स्टूडेंट्स उनको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं काम करता हूं। और जो लोग कुछ लोग कह रहे हैं सर कि हमारा ऑनलाइन क्लासेस कैसे मिलेगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर हमारा किंग रिसर्च का ऐप आपको गूगल पे में मिल जाएगा, वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको मेरे को बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज मैंने वहां पे शेयर करी हुई है, बहुत अच्छा अच्छा कोर्स मैंने सर शेयर किया हुआ है, 7 डेज का ऑनलाइन क्लासेस मैंने वहां पे शेयर करी हुई है, वहां पे आप रजिस्टर्ड करके वहां पे आप हमारी क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। जो लोग नए हैं स्पेशली उन लोग के लिए बोलूंगा कुछ उसमें ट्रिक्स कुछ लॉजिक्स कुछ स्ट्रैटेजीज तरह के शेयर करिए, बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस जोन में जब कर रहे हो आप, ठीक है, जब सेल यहां पे कर रहे हो यहां पे सेल करो, उसका स्टॉप लॉस 18,127 का स्टॉप लॉस रहने वाला है, क्लियर। अगर आप 870 के नीचे सेल कर रहे हो तो 970 का आपको फॉलो करना है स्टॉप लॉस, ये भी क्लियर। अगर बाय चांस मार्केट में बाइंग का कोई सिनेरियो बनता है, आपको दिखता है यार मेरे को बाइंग करना है सेल नहीं करना है, सो 18,147 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा नहीं बाई करेंगे, बात खत्म, बात ही खत्म। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी मैं बाइंग करूंगा, अदरवाइज मैं बाइंग नहीं करूंगा। 147 के बाद मेरा सीधा टारगेट 18,270 का, दूसरा टारगेट 18,347 तक का है, आप भी यही हो मैं भी यही हो, जब तक मैं बाइंग नहीं करूंगा, जब तक 18,147 के ऊपर मार्केट 15 मिनट सस्टेन नहीं करेगा तब तक नो बाइंग एट ऑल। जिसका स्टॉप लॉस 18,046 का रहने वाला है, राइट। सो ये निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपको अपडेट किए और इसको बैंक निफ्टी को 5 मिनट पे लगा लेते हैं, रीसेट चार्ट कर देते हैं। चलिए, किंग रिसर्च ने जैसे पहले से लिखा हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर भी, दिस इज आवर लक्ष्मण रेखा और मार्केट देखो इसी जगह पाया, वहीं से एक बाउंस बैक दी, दुनिया को दिखाया कि बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो, उठा के फिर पटक दिया और इसी जगह पे फिर से इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके इसी लक्ष्मण रेखा पे अटकता गया। सर हमें कैसे पता होता है पिन पॉइंट लेवल्स की यही लक्ष्मण होगा, ये लक्ष्मण होगा या ये नहीं होगा? सर सोचो, कुछ तो न्यूमरोलॉजी है, कुछ तो मैजिकल नंबर्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं। गुप्ता जी लेवल्स हमारे फॉलो करते हो लेकिन कमेंट नेगेटिव करते हो, समझ में नहीं आई गुप्ता जी। तो अगर आपको हमारे लेवल से फायदा हो रहा है तो कमेंट भी फायदेमंद वाली होनी चाहिए नहीं कि नहीं होनी चाहिए? चलिए कोई बात नहीं गुप्ता जी, आज नहीं तो कल आपको हम किंग रिसर्च का फैन बना देंगे, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है 10 दिन कम से कम किंग रिसर्च के लेवल्स को फॉलो करना, तभी समझ में आएगा तुक्का है ये एक्चुअली में कुछ न्यूमरोलॉजी गेम है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बैंक निफ्टी का लेवल्स अगेन मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, 42,256 के नीचे बिंदास सेल करें, ये जो जोन है इसके नीचे बिंदास सेल करें, 15-20 मिनट सस्टेन कर जाए बिंदास सेल करें। 41,856 का पहला टारगेट, 41,456 का दूसरा टारगेट, नो चिंदीगिरी, 1,000 पॉइंट तक का टारगेट दे रहा हूं, ठीक है। अगर बाई चांस कल डेड कैट बाउंस आती है बेवकूफ बनाने वाली, जैसे आ जाइए ना एकदम से गैप अप खोला, दुनिया को दिखाया बाइंग 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 बाइंग,
और उठा के सीधे पटक दिया मार्केट ने, राइट। तो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी भी सिखाई जो कि निफ्टी फ्यूचर्स में, सेम लॉजिक इसमें बैंक निफ्टी में भी काम करती है। प्लीज उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, बैक टेस्ट करना, आपको मजा आएगा। और बोलोगे मजा आया कि नहीं आया किंग रिसर्च में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, राइट। और आगे चल के अब देखो, सेम ये डेडिकेट बाउंस है ना, तो 42,500 एंड 42,656, दिस इज आवर हडल, ओके। सो दिस इज आवर हडल, मैं अब इसको डिलीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कल का लेवल था 500 and 656, इस जोन में आए ओनली थिंग फॉर द सेल, इस जोन में आए ओनली थिंग फॉर द सेल, क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इस जोन में आए ओनली थिंग फॉर द सेल, बिंदास सेल करेंगे। और 250 से नीचे सस्टेन कर जाए तो भैया फिर तो बड़े टारगेट्स के लिए बैठ जाना, 500-800 पॉइंट के लिए कम से कम। अच्छा, अगर मार्केट में तेजी आनी है तो ये हडल नोट कर लो, 42,856, ठीक है, और 43,156। कुछ नहीं करना है, जब तक 156 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा हमें तब तक बाइंग करने का सोचना भी नहीं है। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, 10 दिन कम से कम फॉलो करो मेरे दोस्तों, फिर आप फंस जाओगे, फिर बोलोगे सर मैं फंस गया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग मार्केट में फंस जाते हैं, मैं बोलता हूं सर कल की बात आज क्यों नहीं फॉलो किया, फिर बोलते हैं सर यही हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो भैया मैं आंसर्स आपको दे देते थक गया हूं कि प्लीज फॉलो प्रॉपर कल की बात आज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर करना है तो 100% फॉलो करना है, अदरवाइज नहीं करो सर, कहीं और जाके फॉलो करो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर किंग रिसर्च को फॉलो कर रहे हो तो बड़े टारगेट्स के लिए फॉलो करना, नो चिंदी के लिए विद टाइट स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो 156 के ऊपर सस्टेन करता है तो 43,656 का पहला टारगेट एंड 43,870 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। और तीसरा टारगेट आपको पता ही है, 44,156 का हमारा तीसरा टारगेट रहने वाला है। लेकिन एनी डेडिकेट बाउंस, अभी मैं सेल के मूड में हूं, डेटा भी मुझे नेगेटिव बता रहा है। आपको एक होमवर्क दूंगा 2 आवर्स के चार्ट में, डेली टाइम फ्रेम में, प्लीज गो एंड चेक निफ्टी बैंक निफ्टी का, आपको बहुत कुछ दिखने को देखने को मिलेगा, कुछ पैटर्न आपको मिल रहा है वो देखो। और नेगेटिव मेरे को ज्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, मार्क माई वर्ड, 17 से 26 जनवरी के बीच में कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, मार्क माई वर्ड, स्टेटमेंट मेरा नोट कर लो, बाद में मत बोलना सर आपने बताया नहीं, और आपने बताया तो हमने फॉलो नहीं किया, राइट। सो ये हमारा नो लॉस बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नहीं पता ना कोई स्ट्रैटेजी क्या करूं क्या ना करूं, एक स्ट्रैटेजी है सर यूट्यूब पे पढ़ी है मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए दी है, नए साल के उपलक्ष्य पे आपको गिफ्ट दिया था, नो लॉस बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, सिर्फ 4 लॉट में 17,000 का प्रॉफिट है, फॉलो कर लो, रूल बेस्ड सेटअप है सर। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया है, वहां पे आज मैंने एक ही कॉल दिया था, हजारों स्टॉक्स में से एक ही कॉल, HDFC बैंक, 16,000 रुपए का प्रॉफिट इसमें भी दे दिया, 1 लॉट में भी ट्रेड करे होते, फ्री ऑफ कॉस्ट। कम एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, अगर वाकई में कमाना चाहते हो, वाकई में सीखना चाहते हो, फॉलो करो, अदरवाइज सर टाइम पास तो चल ही रहा है, कबड्डी कबड्डी खेलते रहो, 10 लोगों को फॉलो करके क्या फर्क पड़ता है, राइट। सो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा देना, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों ने कुछ लेवल्स लेके आऊं, तो आपको सही टाइम पे चीजें मिल जाए। अच्छा, एक और कमिटमेंट है मेरा दोस्तों, एक और कमिटमेंट है, लेते लेते ले जाओ मेरे से, मैंने आप लोगों के लिए एक चीज बनाई है, जबरदस्त चीज है वो, हाँ, सिग्नेचर संडे, टेक्नो फंडा सिग्नेचर संडे, लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टॉक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, ये मैं जनवरी में स्टार्ट करने वाला हूं, रिपोर्ट तैयार हो गई है, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसलिए इस संडे में अपलोड नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट संडे आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर स्टॉक, कहां पे बाइंग करनी है, कहां पे स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, और कितना एक्स रिटर्न बना के देगा, 100%, 200%, 300%, 500%, सारी चीज, थोड़ी सी डेथ एनालिसिस, बिजनेस कैसे करती है, और वो चीज जो फंडामेंटल में नहीं, जो हम अपनी एनालिसिस में आपको बताने वाले हैं, तो कुछ तो समथिंग कुकिंग वेरी बिग इन सिग्नेचर संडे, जो स्पेशल आप लोग के लिए बनाने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सेशन, ये एपिसोड के माध्यम से मैं चाहता हूं आप लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, समझिए, सीखिए, और सीखे तो प्यार देना ना भूलिएगा। ये सीरीज सर बहुत मेहनत के साथ मैं बनाऊंगा, बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें आपको शेयर करूंगा, जो आप देखकर भी अनदेखा कर दो, तो हमें सिर्फ फोकस करना है, हमें सिर्फ बिलीव करना है जो अनदेखा है उस पर, ना कि जो देखा है उस पर, राइट। जो अनदेखा है उस पर बिलीव करना है, और जो आपको दिखता है उस पर तो बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। तो ये सिग्नेचर संडे स्पेशल एपिसोड 100 से 500% के ROI के लिए मैं शेयर करूंगा,
पावरफुल रहने वाला है। मेरे को तो बिलीव होता है जो मैं सक्सेसफुली अपने खुद का पोर्टफोलियो मैंने बनाया हुआ है उसमें भी इसी तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। ये चीज़ मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक ही नारा, किसी को भी टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक रुपया नहीं देना है, बात खत्म। आर यू रेडी गाइस? कमेंट सेक्शन में हैशटैग यस करके जरूर लिखिएगा, या फिर हैशटैग सिग्नेचर संडे करके जरूर लिखिएगा, सो दैट मुझे आपका प्रमोशन मिल जाए, मुझे आपका एक वोट मिल जाए कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हो इस सीरीज को समझने के लिए, इस स्टॉक को जानने के लिए जो कि आने वाले टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक्स बनने वाला है। और ये एपिसोड हर संडे मैं आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाला हूं, सो टाइम मुझे बता दीजिएगा संडे को किस टाइम को आपको चाहिए, सो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो हैशटैग सिग्नेचर संडे और अपना टाइम बता दीजिए किस टाइम पे वीडियो चाहिए, सो दैट आप लोग इस वीडियो को देखकर मोटा पैसा इन्वेस्टिंग कर सको, मोटा पैसा स्टॉक मार्केट की दुनिया से भी कमा सको। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।